डायग्राम देखते हैं इसका। इसके डायग्राम में आपको क्या करना है कि अब क्योंकि मैं ज़मीन पर खड़ा होकर और किसी ऑब्जेक्ट को लेकर और ऐसे नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ, तो इसका मतलब अब हमको जो ओरिजिन रखना है वो ओरिजिन हमें ग्राउंड पर ही रखना है। देखिए कैसे करेंगे, स्मॉल एम इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम हाइट स्मॉल एम
इज फॉर मैक्सिमम एंड एच इज फॉर हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट हो गया हमारा एच है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंकने के ऐसे ट्रैवल करते 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 यहाँ तक पहुँच गया, तो इसका यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो पूरा जो इसमें डिस्टेंस ट्रैवल करा है उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को हमने बोला था कैपिटल आर, तो यहाँ पर भी हम इसको कैपिटल आर बोलेंगे। उसके बाद लास्ट में जो पॉइंट बी है, जो ये वाला पॉइंट बी है, इसको मैंने बोला पॉइंट ए, सॉरी ओ, टॉपमोस्ट पॉइंट को मैंने बोला पॉइंट ए और इधर वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया बी, ठीक है। तो बी पर जब बॉडी पहुंचेगी तो उस टाइम ये कहेंगे कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी, इस पॉइंट पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो, ये चलो अभी छोड़िए, अभी इस पॉइंट की बात छोड़िए, अभी इस पॉइंट की बात छोड़िए, इस पॉइंट की बात बिल्कुल लास्ट में करूँगा, इस टॉपिक के बिल्कुल लास्ट में। फिलहाल बता दीजिए यहाँ तक क्लियर है सभी को, हमने किसी बॉडी को फेंका, उसको फेंका इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ, यू हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना लिए थीटा, ये वेलोसिटी, तो इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, एक हो गया यू कॉस थीटा अलोंग द हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल वाला जो है वो हो गया यू साइन थीटा। फिर मैंने कहा कि ये बॉल चलते 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 पॉइंट पी तक पहुँचे, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वाला वाई, तो पी से मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस यानी कि ये एक्स हो गया और यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस ये वाई हो गया। कोऑर्डिनेट्स का मतलब यही होता है, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो बढ़कर हो गई वी, और जो वी है वेलोसिटी उसके दो कंपोनेंट्स ले लिए, एक वी एक्स और एक वी वाई। जब बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँची, तो ये हमारा कहलाएगा मैक्सिमम हाइट। और जब बॉल ने पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो टोटल डिस्टेंस है दैट विल बी कॉल्ड इट्स रेंज, इसको मैंने कैपिटल आर बोल दिया। डायग्राम बता दीजिए सभी को क्लियर है, बताइए शाम्भवी दोनों वंशिका और विराज बता दीजिए क्लियर है। यस सर, ठीक है, चलिए जी। अब इसके बाद मैं एक चीज़ और इसमें देखूंगा कि मैं रिकॉर्ड करवाऊंगा आपको, हमने जो लास्ट क्लास में करा था प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। फिजिकल इंडिपेंडेंस ये कहता है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन है उसका वर्टिकल से कोई लेना देना नहीं, और जो वर्टिकल मोशन है उसका हॉरिजॉन्टल से कोई लेना देना नहीं, और जो हॉरिजॉन्टल मोशन है हॉरिजॉन्टल मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता, और वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ये दो चीज़ बिल्कुल सेम है जैसे हमने कब करी थी। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में मैं सीधा फॉर्मूला रखूँगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हमारे पास एक्सेलरेशन नाम की चीज़ नहीं होती, तो हॉरिजॉन्टल में मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस इतना करूँगा, ठीक है। तो आप ये देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये जो पेज नंबर 43 पर है, तो पेज नंबर 43 पर मैं ये वाला पोर्शन करूँगा, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये वाला, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमने वहाँ पर भी करा था, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमने इससे पहले वाले डेरिवेशन में भी करा था। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसकी भी जो ट्रैजेक्टरी है दैट इज़ ऑल्सो अ पैराबोला, दैट इज़ ऑल्सो अ पैराबोला। तो अगर वो क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाता है, वाई इज इक्वल टू वाई अगर एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है, तो मैं कहूँगा कि वो हमारा पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी बन गई। मैं इधर करके दिखा रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, तो इधर से कर देते हैं स्टार्ट। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तो सपोज द बॉडी रीचेज द पॉइंट पी एक्स वाई आफ्टर टाइम टी, तो हमने ये मान लिया कि बॉडी जो यहाँ से स्टार्ट करके और पॉइंट पी तक पहुँच रही है उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम टी लग रहा है, ठीक है। बिल्कुल वही काम जो पहले करा था हमने, स्मॉल टी कैसे निकाला था, हमने हॉरिजॉन्टल मोशन कंसिडर करते हुए स्मॉल टी निकाला था, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered, horizontal distance covered by the body in time t, by the body in time t, क्या हो जाएगा,
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब मैं निकाल रहा हूँ तो भाई हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस बार मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी याद रखना यू नहीं है, यू कॉस थीटा है मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा है और वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज यू साइन थीटा, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज यू कॉस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं यूनिफॉर्म लूंगा यू कॉस थीटा ही लूंगा, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, वो भी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैं पॉइंट पी तक वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस कितना है, ये x है। तो डिस्टेंस इज x, हॉरिजॉन्टल स्पीड क्योंकि कॉन्स्टेंट रहने वाली है, हॉरिजॉन्टल स्पीड इज u cos थीटा, स्पीड की जगह आ जाएगा यू कॉस थीटा और टाइम जो है ना पूरी मुझे कैलकुलेट करना है, तो ठीक है हो जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो पी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, इसको इक्वेशन पर बोल कर छोड़ दीजिए। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर बात करता हूँ तो वर्टिकल मोशन में जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है u, दैट विल बी ट्रीटेड एज u sin थीटा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में इसलिए डाल रहा हूँ कि कहीं u से u काट कर sin थीटा इज इक्वल टू 1 मत कर देना, ठीक है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारी u जो हम लेते हैं, क्योंकि वर्टिकल मोशन हमारा क्या होता है एक्सेलरेटेड मोशन, तो उसमें मैं v इज इक्वल टू u प्लस एटी वाला फंडा लगाऊंगा। तो आप ये देखिए कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकल मोशन के लिए दैट इज u sin थीटा वर्टिकल मोशन के लिए, तो u is u sin थीटा। और जो मेरा वर्टिकल मोशन हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो क्या हो रहा है नीचे से ऊपर जा रही है बॉडी, बॉडी जब नीचे से ऊपर जाती है तो एक्सेलरेशन को क्या लेते हैं माइनस जी, अपवर्ड मोशन के लिए a is equal to माइनस जी, a को मैंने माइनस जी ले लिया, ठीक है। सो वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, सो वर्टिकल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी इज गिवन बाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वर्टिकल डिस्टेंस टाइम टी में उसने वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर करा, उसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर करा वाई, तो मैं एस यानी कि डिस्टेंस की जगह क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा वाई, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यू ये कितनी है, ये यू साइन थीटा, टाइम मैं निकाल चुका हूँ एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो लिखेंगे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा प्लस हाफ ए की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर मतलब एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर, तो एक्स अपॉन cos थीटा का स्क्वायर x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, आप देखिए इधर u से u कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया y is equal to sin थीटा अपॉन cos थीटा is tan थीटा into x plus, इधर क्या करेंगे ये प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस हाफ g into x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इस तरफ कर रहा हूँ आगे मैं, इसको लिखेंगे y is equal to x tan थीटा माइनस x tan थीटा माइनस, इसको लिखेंगे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x square।
पूरे को क्यू बोल दिया और टेन थीटा को पी बोल दिया। तो वाई इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। और इसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे को क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल रहा है और एक्स स्क्वायर टर्म दोनों मिल रहे हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन तो तब भी मिल गया ना। तो हम क्या लिखेंगे, वेयर पी इज इक्वल टू टेन थीटा एंड क्यू इज इक्वल टू जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो पी की वैल्यू ये और क्यू की वैल्यू ये। लास्ट में देखिए क्या लिखा है, दस वाई इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स हेंस द ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्ट आई इज अ पैराबोला। ठीक है, ट्रैजेक्टरी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला, इज अ पैराबोला। बताइए जी सभी को क्लियर आया था। सभी को क्लियर है, सूर्यांश के अलावा बताएं, शब्दवी, अंशिका, विराज। चलिए जी, तो सिर्फ इतना करेंगे, आगे जो है आगे इसके डायग्राम को ही आगे कंटिन्यू करते हुए टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, फिर आप अगला देखिए पेज नंबर 45 पर टाइम ऑफ राइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और एक दो क्वेश्चंस, ये कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, इसी को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। ठीक, आज इतना ही कर लीजिए बस। तो एक्स्ट्रा क्लास में आपके लिए बस एक एक या दो दो टॉपिक्स होंगे, वो भी छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे जिससे सिलेबस थोड़ा सा पुशअप हो जाए। ठीक है, बस इतना ही करेंगे जी, बाकी कल मिलते हैं। शाम को भी क्लियर है? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ओके।